दोस्तों गुड इवनिंग, माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सके। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर और फोर्थ गियर और फिफ्थ गियर, गियर चेंज करते वक्त हमारा राइट वाला पैर किस पैंडल पे होना चाहिए, एक्सेलेटर पे या ब्रेक पे। मोस्टली न्यू बिगिनर जो होते हैं, न्यू ड्राइवर होते हैं, उनका राइट वाला पैर हमेशा एक्सेलेटर पे रहता है, जिसकी वजह से जब वो क्लच दबाते हैं, लेफ्ट वाले पैर से क्लच दबाते हैं तो राइट वाला पैर भी उनका मूवमेंट में आ जाता है। गियर चेंज करते वक्त हमारा राइट वाला हैंड किस पॉइंट पोजीशन पे होना चाहिए, गियर चेंज करते वक्त हमारा राइट वाला लेग किस पॉइंट पे होना चाहिए, गियर चेंज करते वक्त किस गियर की कितनी स्पीड होती है, हमें फर्स्ट गियर कब डालना चाहिए, सेकंड गियर कब डालना चाहिए, थर्ड गियर कब डालना चाहिए, फोर्थ गियर कब डालना चाहिए, फिफ्थ गियर कब डालना चाहिए, हर गियर की अलग अलग एक स्पीड होती है। 90% बहुत सारे ड्राइवर हैं जो बहुत सारे बिगनर, उनको यही नहीं पता है कि कौन से गियर की क्या स्पीड होती है। 20 की स्पीड में थर्ड गियर डाल देते हैं, 30 की स्पीड में फिफ्थ गियर डाल देते हैं, जिससे कि इंजन पे लोड पड़ता है और इंजन भी खराब होता है। तो आज मैं आपको पैटर्न टू पैटर्न सारी चीजें बताऊंगा कि फर्स्ट गियर की स्पीड क्या होती है, फर्स्ट गियर लगाने का तरीका क्या है, फर्स्ट गियर कैसे लगाना है, फर्स्ट गियर लगाते वक्त किन किन बातों का ध्यान देना है। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिएगा। गाड़ी का इंजन ऑन है और सबसे पहले मैं फर्स्ट गियर डालता हूं जी। अब मैंने राइट वाला पैर एक्सेलेटर पर रखा और राइट का सिग्नल दे दिया और मैंने धीरे धीरे क्लच को रिलीज किया। फर्स्ट गियर की दोस्तों जो स्पीड होती है वो 10-20 होती है। फर्स्ट गियर मोस्टली होता है कार को मूव करने के लिए, ना कि चलाने के लिए। हल्का सा स्पीड बढ़ाई मैंने, वापस राइट वाला पैर मेरा ब्रेक पे आया, क्लच दबा के 20 की स्पीड पे मैंने सेकंड गियर डाल दिया, वापस एक्सेलेटर पे पैर लेके गया। अब सेकंड गियर की जो स्पीड है वो 20-30, मैं 20-30 चल सकता हूं। मैंने फिर स्पीड बढ़ाई, 30 पहुंचा, मैंने राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा, क्लच दबाया और थर्ड गियर। गियर चेंज करते वक्त राइट वाला हाथ हमारा 12 o'clock पे होना चाहिए, जो वॉश टाइम होता है, ताकि गलती से स्टीयरिंग न लहराए। जब लेफ्ट हैंड से हम गियर खींचते हैं तो राइट वाला हाथ भी हमारा मूवमेंट में आ जाता है, जिससे स्टीयरिंग लहरा जाता है। अभी मैंने स्पीड बढ़ाई वापस और मैंने 40 को क्रॉस कर दिया। अब राइट वाला पैर मेरा ब्रेक पे आया और 12 o'clock पे स्टीयरिंग, वापस क्लच दबा के मैंने डाल दिया फोर्थ गियर। और फोर्थ गियर की जो स्पीड होती है वो 40-60 होती है। बट आगे आ रहा है दोस्तों स्पीड ब्रेकर, तो मुझे क्या करना है, अभी आगे गाड़ी की स्पीड डाउन करनी है, तो मैंने पहले से ब्रेक को ले लिया है और मैंने ओनली ब्रेक लिया है। 40 से गाड़ी की स्पीड आ गई 20, अब मैंने पूरा क्लच दबा के डायरेक्ट इसको फोर्थ गियर से सेकंड गियर में कर दिया, क्योंकि 20 माइनस आ चुकी गाड़ी। वापस मैंने क्लच को रिलीज किया, वापस मैंने हल्का सा एक्सेलेटर लिया, फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई, राइट वाला पैर ब्रेक पे लाया, क्लच दबा के वापस थर्ड गियर डाल दिया। फिर आगे स्पीड ब्रेकर आ गया, मैंने ब्रेक लगाया, गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा डाउन करी, वापस क्लच दबा के ये कर दिया मैंने सेकंड गियर। फर्स्ट गियर लगाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट गियर सिर्फ वही लगाना होता है, जैसे कि मैंने अभी गाड़ी को यहाँ पे पूरा क्लच लेके ब्रेक लेके रोक दिया, अब मैंने गाड़ी स्टॉप कर दिया, अब मुझे इसको फर्स्ट गियर में ही मूव करना है। अगर मैं सेकंड गियर में मूव करने की कोशिश करूंगा तो मुझे एक्स्ट्रा एक्सेलेटर लेना पड़ेगा, जिससे कि क्लच खराब होता है। अगर डीजल गाड़ी होती तो विदाउट एक्सेलेटर सेकंड गियर में गाड़ी मूव कर जाती, ये पेट्रोल गाड़ी है तो हमेशा फर्स्ट गियर में। अब मैंने इसको फर्स्ट गियर में कर देना। फर्स्ट गियर बस उस चीज के लिए होता है जब गाड़ी को, रुकी हुई गाड़ी को आपको बढ़ाना होता है, ना कि मतलब चलती गाड़ी को आप फर्स्ट गियर में करके उठाए। एक बार गाड़ी मूव कर गई तो सेकंड गियर, फिर मैंने एक्सेलेटर करा, वापस ये सेकंड गियर, सेकंड गियर को वापस मैंने रिलीज कर दिया। अभी मैंने स्पीड मेंटेन करी, फिर 30 क्रॉस कर गया, राइट वाला पैर ब्रेक पे, क्लच दबाया और मिडिल में थर्ड गियर। गियर लीवर को बहुत इजीली पकड़ना है, बहुत लोग इसको बहुत टाइट पकड़ते हैं, जिसकी वजह से उनको ये नहीं कंफर्म हो पाता है कि गियर कौन सी दिशा में जाएगा, गियर को इतना ज्यादा हार्ड पकड़ लेते हैं। अभी मैंने फिर स्पीड बढ़ाई, मैंने 40 क्रॉस किया, राइट वाला हाथ 12 o'clock पे ब्रेक पे पैर लाया, क्लच दबा के फोर्थ गियर, फिर मैंने क्लच को रिलीज। क्लच का काम खत्म होते, क्लच पे पैर नहीं रखना होता है। अगर आप क्लच पे पैर रखोगे तो आपकी कार की क्लच प्लेटें धीरे धीरे खराब हो जाएंगी। मैंने वापस स्पीड बढ़ाई, अभी मैंने 50 को क्रॉस किया, मैं थोड़ी सी स्पीड और बढ़ाता हूँ, अभी मैंने 60 को क्रॉस कर दिया, राइट वाला पैर ब्रेक पे, क्लच दबाया, मैंने इसको डाल दिया फिफ्थ गियर। अब मेरी गाड़ी चल रही है फिफ्थ गियर में, 60+60 के बाद फिफ्थ गियर लगता है। अभी आगे आ रहा है चौराहा, मेरे लेफ्ट में चल रही है बाइक, मैंने वापस स्पीड डाउन करना है। अब मैं फिफ्थ गियर में हूँ, मैंने बिना क्लच के स्पीड डाउन करना है, मैं क्लच नहीं ले रहा हूँ। अब मेरी गाड़ी आ चुकी 40 माइनस, मैंने डायरेक्टली फिफ्थ से कर दिया इसको थर्ड गियर में, वापस मैंने स्पीड मेंटेन कर ली। फिफ्थ गियर में 60+ था, जब गाड़ी मेरी 40 माइनस आई मैंने डायरेक्ट फिफ्थ से थर्ड कर दिया। मैंने राइट का सिग्नल दिया, थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करी यहाँ पे और वापस मैंने इसको कर दिया फोर्थ गियर में। फोर्थ गियर 40+, तो 40+50 के अराउंड में चल रहा हूँ। गियर जो चेंज करने का प्रोसीजर है 2-3 सेकंड,
ये राइट टर्न होगा, इसने राइट का सिग्नल दे रखा, मुझे फिर स्पीड कम करनी, मैंने वापस इसको कर लिया थर्ड, फिर कर लिया सेकंड। ये कंफ्यूज कर रहे हैं, राइट टर्न करने के लिए पहले से राइट की प्लानिंग करनी होती, इन्होंने बीच रोड से राइट टर्न किया। ऐसे एक्सीडेंट होते, खुद भी जाएंगे दूसरे को भी ले जाएंगे। वापस मैंने सेकंड गियर डाल दिया, वापस स्पीड मेंटेन करी, फिर थर्ड गियर मैंने डाल दिया, लेफ्ट का सिग्नल दे दिया। यहाँ पे ब्लाइंड टर्न है, टर्निंग के साथ स्लोपिंग भी है, टर्निंग के साथ स्लोपिंग भी और ब्लाइंड टर्न है। मेरा राइट वाला पैर है एक्सेलेटर पे क्योंकि हल्की सी स्लोपिंग भी है, और मैंने जैसे जैसे रोड टर्न हो रहा है वैसे वैसे मैं स्टीयरिंग को राउंड करता जा रहा हूँ। यहाँ पे आ चुका है गोल चक्कर, अब यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहना। मैंने दे दिया राइट का सिग्नल क्योंकि मुझे जाना है राइट। अब मैं अपने राइट साइड वाले वो आरबीएम को चेक कर रहा हूँ, मेरा पैर राइट वाला ब्रेक पे है और मैंने गियर कर लिया सेकंड क्योंकि गाड़ी मेरी 20 माइनस आ चुकी है। वापस मैंने राइट का सिग्नल दिया और ये मैंने धीरे से राइट ही मुझे जाना है, क्रेटा जा रही सीधा मुझे जाना राइट। मैंने राइट का सिग्नल ऑलरेडी दे रखा और राइट वाले ओआरबीएम को मैं चेक कर रहा हूँ। फिर मैंने राइट का सिग्नल दिया, कई बार ऑटो कट हो जाता है, आपने सिग्नल दिया और वो ऑटो कट हो जाता, वापस आप सिग्नल नहीं देते पीछे वाला कंफ्यूज हो जाता। मैंने राइट का ऑलरेडी सिग्नल दे रखा है क्योंकि मुझे जाना है वेव की तरफ, पॉलिटेक्निक चौराहे की तरफ, और ये धीरे से मेरी गाड़ी गई निकल। अब मैंने स्पीड मेंटेन करनी है, आगे है रेड लाइट, बट मुझे अभी गाड़ी वहां रोकनी पड़ेगी, गाड़ी मेरी फोर्थ गियर में है। मैंने ब्रेक ले लिया है, क्लच नहीं लिया, ओनली ब्रेक लिया। अब मैंने पूरा क्लच दबा लिया क्योंकि गाड़ी मुझे यहाँ रोकनी पड़ेगी। मैंने पूरा क्लच दबा के ब्रेक ले लिया, जेब्रा क्रॉसिंग से पहले मेरी गाड़ी खड़ी हो गई, मैंने क्लच को फ्री कर दिया क्योंकि गियर यहाँ पे मैंने न्यूट्रल कर दिया है। अब वापस मैंने फर्स्ट गियर डाला और हल्का सा एक्सेलेटर के साथ गाड़ी को मुझे उठाना है क्योंकि यहाँ विदाउट एक्सेलेटर उठाऊंगा तो पीछे ट्रैफिक है, और 30 सेकंड की ग्रीन लाइट थी। मैंने वापस स्पीड मेंटेन करी, डियर मेरे सामने जा रही है एमजी हेक्टर, डिस्टेंस भी मुझे देखना है, और मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ाई, मैंने डाल दिया थर्ड गियर, फिर थोड़ी सी मैंने स्पीड मेंटेन करी, मैंने इसको ले लिया राइट वाली लाइन में क्योंकि राइट वाली लाइन में मैं 40 प्लस चल सकता हूँ। मैंने सिग्नल देके वापस फोर्थ गियर डाल दिया। जब भी किसी गाड़ी को ओवरटेक करते तो उस टाइम हमारा जो राइट वाला पैर है ओवरटेक करने के टाइम वो एक्सेलेटर लेके, क्योंकि हमें थोड़ी स्पीड मेंटेन करनी होती है। मैंने फिर स्पीड थोड़ी बढ़ाई, मैंने दे दिया लेफ्ट का सिग्नल, और क्योंकि मुझे इस गाड़ी को ओवरटेक करना है मैंने लेफ्ट का सिग्नल दे के और हॉर्न देते हुए गाड़ी को ओवरटेक कर लिया मैंने यहाँ पे। और वापस मैंने डाल दिया फिफ्थ गियर, फोर्थ गियर थे। अभी गाड़ी मेरी चल रही है, जो चल रही है 80 के अराउंड, 80 की स्पीड में मैं चल रहा हूँ, और स्टीयरिंग देख रहे हैं आप, मैंने एकदम छोड़ दिया, फ्री है स्टीयरिंग। अगर जरा सा भी लहराएगा तो इसका मतलब आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट आउट है। अब मैं 80 की स्पीड में था, मैंने कोई क्लच नहीं लिया, ओनली ब्रेक लिया, मैंने गाड़ी पूरी ब्रेक से कंट्रोल करी, गाड़ी मेरी आ गई 30, मैंने पूरा क्लच लिया, ब्रेक ले लिया, गाड़ी स्टॉप हो गई। अभी मैंने इसको यार न्यूट्रल कर दिया, क्लच को फ्री कर दिया, बट मैंने ब्रेक लगा रखा है। ब्रेक इसलिए लगा रखा है कि ताकि गलती से गाड़ी ढलान पे या स्लोपिंग पे होगी तो आगे और पीछे ना जाए, इसलिए कभी भी रेड लाइट पे आप ब्रेक को छोड़े ना। फर्स्ट गियर डाला, ग्रीन हो चुकी, मैंने हल्का एक्सीलेटर के साथ गाड़ी को वापस बढ़ा लिया है, मैंने वापस सेकंड गियर कर दिया है, और चारों तरफ ट्रैफिक चल रहा है लेफ्ट और राइट में, दोनों साइड मुझे देखना है, लेफ्ट भी अपना नोटिस करना, राइट भी अपना नोटिस करना है। मैंने फिर स्पीड बढ़ाई हल्की सी, अब मैंने डाल दिया यहाँ पे थर्ड गियर। थर्ड गियर की जो स्पीड होती 30-40, हल्का स्पीड मेंटेन करके हमेशा गियर चेंज करना, मैंने फोर्थ गियर कर दिया है। गियर चेंज करते वक्त आपका राइट वाला लेग 1 सेकंड के लिए ब्रेक पे आना कंपलसरी है। दोनों साइड से ट्रैफिक चल रहा है, मैंने वापस मुझे बढ़ाना है, मेरे सामने जा रही है टाटा अल्ट्रॉस, मैंने वापस स्पीड बढ़ाई। अब यहाँ पे चढ़ाई भी है, फ्लाईओवर है, मैंने एक लाइन में अपनी गाड़ी रख ली राइट साइड में। अब ये मेरी गाड़ी जो राइट साइड में चल रही है, मेरी स्पीड जो है वो 60 अराउंड है, गियर मेरा फोर्थ है, मेरे सामने गाड़ी है। अब मैं फिफ्थ गियर डालने जा रहा था बट अपनी डाल रहा हूँ क्योंकि सामने दो दो गाड़ियां हैं, एक होंडा सिटी चल रही है और एक अल्ट्रॉस चल रही है। मैंने हॉर्न दिया क्योंकि हॉर्न देना जरूरी, जब भी किसी गाड़ी को आप ओवरटेक करें तो हॉर्न देना कंपलसरी है। मैंने वापस स्पीड मेंटेन करी, 60 क्रॉस करके राइट वाला पैर ब्रेक पे, फिफ्थ गियर डाल दिया। गियर इसलिए टॉप गियर में चलना है क्योंकि इंजन फ्री रहता है। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर जो होते हैं ना, ये ट्रैफिक के लिए होते हैं, इसमें गाड़ी माइलेज नहीं देगी, इंजन हीट होता है अगर फर्स्ट गियर में ज्यादा देर चलाओगे आप। मेरी गाड़ी चल रही है फिफ्थ गियर में 60 प्लस, मैं अभी 62-65 के अराउंड चल रहा हूँ। मैंने ब्रेक लिया, अगली गाड़ी ने ब्रेक लिया, उसकी बैक लाइट ऑन हो गई, मैंने भी ब्रेक लिया, वापस मैंने एक्सेलेट, मैंने हॉर्न दे दिया ताकि अगला बंदा अलर्ट हो जाए, मुझे जाना है स्ट्रेट, ये लोग जा रहे हैं गोमती नगर की तरफ, मुझे जाना पॉलिटेक्निक की तरफ। यहाँ पे ये भी है, थोड़ा बिफोर प्लान करना है।
अभी मैंने स्पीड बढ़ाई गाड़ी की क्योंकि यहाँ डाउन हिल आ रहा है, अब मुझे ब्रेक पे पैर रखना है क्योंकि यहाँ पे स्पीड मेंटेन नहीं करना है ज्यादा क्योंकि गाड़ी मेरी 70 प्लस चल रही है। मैंने ब्रेक पे पैर रख रखा है और एक्सीलेटर नहीं ले रहा हूँ, ब्रेक से ही मैं गाड़ी कंट्रोल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे गाड़ी ऑलरेडी मेरी 60 प्लस चल रही है, गाड़ी मेरी फिफ्थ गियर में। अब वापस यहाँ पे स्पेस मिल गया, मैंने वापस स्पीड मेंटेन कर ली तो गियर चेंज करने की जरूरत नहीं। 80 से मैं 50 तक आया था, 80 से मैं 50 तक आया था और मुझे ये कंफर्म था कि आगे मुझे स्पेस मिलेगा, इसीलिए मैंने गियर चेंज नहीं किया था। मैंने राइट का सिग्नल दे दिया क्योंकि मुझे लाइन चेंज करनी है, मैंने यहाँ से लाइन चेंज कर ली वापस, और क्योंकि मुझे जाना स्ट्रेट तो मैंने लाइन चेंज कर ली है और गाड़ी की स्पीड में कर लेता हूँ डाउन क्योंकि सामने है ट्रैफिक। अब मैंने सिग्नल बंद कर दिया यहाँ पे और गाड़ी को ले लेता हूँ मैं अब थर्ड गियर में, फिफ्थ से डायरेक्ट मैंने थर्ड कर लिया। आगे रेड लाइट का ट्रैफिक है, मैंने गाड़ी को यहाँ पे स्टॉप कर दिया है, पूरा क्लच देन ब्रेक। अब मैंने गाड़ी दी यहाँ पे रोक, दोस्तों गाड़ी स्टॉप कर दिया यहाँ पे क्योंकि गाड़ी फिफ्थ गियर में थी, डायरेक्टली फर्स्ट गियर में आके गाड़ी मेरी यहाँ पे स्टॉप हो गई है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।